आज आप सबका स्वागत है न्यू ब्लॉग में। आज छठ का दूसरा दिन, आज हम वीडियो शूट करने जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। आज का वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। छठ का पूरा व्यू आप लोगों को दिखाने वाला हूं। पहला दिन का वीडियो आपको दिखाया, आज दूसरा दिन जो चारों तरफ आपको व्यू दिखाने वाले हैं। देखिए पूरा टेंट लगने लगा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखिए धीरे धीरे आना चालू हो गया है। बहुत ज़्यादा भीड़ होता है, इतना भीड़ होता है, इतना कि आप इतना भीड़ कोई भी छठ में कहीं भी नहीं देखते होंगे। इतना ज़्यादा भीड़ रहता है, पूरे भोजता के लोग यहाँ पे छठ करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा भोजता एक गाँव है, वहाँ के लोग यहाँ पे छठ करने आते हैं। रेवाड़ा को भोजता का नदी है ये। आप लोग ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप लोग ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको समझ में आए छठ के बारे में, छठ कैसा होता है। आपको मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। आप पूरा वीडियो वॉच करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए पूरा तैयारी हो गया, टेंट वेंट लग गया, केतारी का देखिए केतारी भी लग गया है। लोग सामने आ गए हैं, धीरे धीरे आ ही रहे हैं। सामने में देखें पूरा लोग आ गए हैं और आना बाकी है। भीड़ को भी इतना लगेगा कि मेला लग जाता है। आपको दिखाते हैं चारों तरफ घूम घूम कर। देखिए सबको दौरा ले लेके आने लगे। आज पूरे रात लोग यहीं रहेंगे। कल तो आए थे, चल गए थे, कल का वीडियो भी आपको दिखाया था। आज पूरे रात यहीं रहेंगे। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को। ठंड में पूरे ठंड में पानी में भी रहना पड़ता है, बाहर में भी रहना पड़ता है। टेंट से कितना काम चलेगा, बहुत ज़्यादा ठंड इधर पड़ रहा है। लेकिन पर्व है तो मनाना तो पड़ेगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा वीडियो पूरा देख के। चलिए आपको दूसरे साइड भी लेकर के चलते हैं नदी की ओर। देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है यहाँ पे। सारा दुकान भी लग गया है, बलून मैदान समोसा चाट। देखिए मेरा दोस्त सामने में लोग देखने आ गए, भोजे के रहने वाले हैं आरती अली, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। कैसे प्लेट है? 10 रुपए का 8 गो। क्या क्या चीज देते हैं? शोर शराबा होता है यहाँ पे, बैंड बाजा हमेशा बजते रहता है, इसलिए ज़्यादा आपको बता नहीं पा रहे हैं इतना शोर होता है। इस क्या बताएं, हमेशा बाजा बजते रहता है यहाँ पे। अंग्रेजी बाजा इसको बोलते हैं इधर देहात में। शादी ब्याह में भी बाजा चलता है। ये फिर भी हम आपको चारों तरफ घूम घूम कर जितना हो सके बताएँगे, दिखाएँगे आपको छठ के बारे में। देखिए अब नदी में आ गए, नदी का जो आपको घूम घूम कर दिखाते हैं। सबको स्नान कर रहे हैं, नहा धोवा कर रहे भी होंगे, पूजा पे जाके बैठेंगे। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है, आप लोग स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए Thank you.
बहुत पवित्र पर्व माना जाता है इसको, कि हम आपको लफ्जों से बयान नहीं कर सके, इतना अच्छा पर्व है। सारे त्यौहार से अच्छा छठ पूजा को मानते हैं लोग, बहुत अच्छा भी लगता है सबको। हिंदू मुस्लिम मिलके हम लोग भाईचारगी से मनाते हैं। चलिए दूसरे साइड लेकर के चलते हैं। माथा पर जल छिटे, आसन पर जल छिटे, और ये पाल तिरपाल हटा दें, टेंट का जो पर्दा गिरा करके रखे हैं उसको बांध दें। टेंट का जो पर्दा गिरा हुआ
चैनल बता देंगे, चैनल बता देंगे, देख लीजिएगा।
तो गाइस धीरे धीरे सूरज ढलता जा रहा है, अंधेरा सा होता जा रहा है, अभी लाइट जलने वाला है, फिर आपको दिखाते हैं सारा व्यू। अंधेरा ज़्यादा होता जा रहा है, अभी लाइट नहीं जला है। अब बस वीडियो में एंड तक बने रहें, आपको छठ पूजा का सारा विवरण इसमें बताएंगे भी, दिखाएंगे भी। आपको हर वीडियो से अच्छा ये वाला वीडियो लगेगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। देखिए सब कोई आ गए, अब अपना अपना पूजा का सामग्री जमा करते हुए सारे लोग। देखिए पूरा नाइट हो गया, हम अपना छत से थोड़ा सा वीडियो शूट कर ले रहे हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। नाइट के समय में पूरा लाइट जल गया, भीड़ देखिए आप, कितना सारा भीड़ है। मेरे को लगता है 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ रहते हैं हमेशा। तो गाइस सुबह का वक्त हो गया है, सारे लोग सूरज उगने का इंतज़ार कर रहे हैं, कब सूरज निकले कि लोग फ्री हो। पूरे रात भर बहुत मुश्किल मुशक्कत से लोग काटा, देखिए फिर भी सारे लोग के चेहरे पे मुस्कान, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग को यहाँ आए वीडियो शूट करने में बहुत मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। सारे लोग बहुत अच्छा से बात भी कर रहे हैं। सुबह सुबह का समय है, देखिए सारा कार्यक्रम होता जा रहा है। पंडित जी अपना काम कर रहे हैं, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। बहुत जल्द दूसरा वीडियो भी, छठ के बाद किला का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है आप लोग के सामने। किला के एक छठ के एक दिन बाद किला मेला लगता है, बहुत लंबा चौड़ा किला है पलामू किला, आप लोग नाम सुने होंगे। तो पलामू किला का वीडियो बहुत जल्द आप लोग के सामने आने वाला है, बहुत दिन से उसका तैयारी चल रहा है। आप लोग वीडियो देखे, बहुत मजा आएगा इसमें भी, बहुत खूबसूरत नज़ारा। देखे सारे लोग इतना कड़कती ठंडी में पानी में, देखिए अभी ठंडी के समय पानी हाथ में लेने से लगता है कितना ठंडा लगता है। लोग पूरे ठंडी में पानी में खड़े हैं 4 बजे भोर से। देखे सामने अब कुछ ही पलों में सूरज निकलने वाला है, इन लोग का इंतजार का घड़ी खत्म हो जाएगा। तो गाइस अब नदी का काम खत्म हो गया, लोग अब धीरे धीरे जाने लगे। सूरज का इंतजार कर रहे थे बहुत देर से, सूरज निकल गया, अब धीरे धीरे ये लोग का
काम भी यहाँ का हो गया। देखिए जल ढार के लोग निकलेंगे पानी से बाहर, बाहर निकल के जाके उधर पंडाल में भी पूजा होगा, आरती होगा। अभी बहुत ज़्यादा कर्मठ बाकी है। देखिए सब कोई आ गए अपने अपने जगह पे, स्थान ग्रहण कर लिए। ढोल नगाड़ा का आवाज़ सुने आप लोग, सामने में देखिए लग रहा है केतारी का बगान लगा हुआ है। इधर सुबह का वक्त है, इस सब कोई उठ के फ्रेश हो गया है। देखिए पूजा भी चालू हो गया है। हम अपना छत से आकर आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहे हैं। देखें बहुत लोग घर चले गए रात में, अब अभी आएंगे। पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम भी होता था, ऑर्केस्ट्रा हो गया दुगोला, लेकिन अब जगह के अभाव से नहीं करा पाते हैं। देखिए सब चारों तरफ धान लगा हुआ है, फिर भी किसी तरह एडजस्ट किया गया है। जगह का बहुत किल्लत है यहाँ, फिर भी हो जाता है। इतना में बहुत आराम से लोग का व्यवहार मन जाता है। बस रात भर की बात है। देखिए इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बोहिता में बहुत धूमधाम से ये वाला त्यौहार मनाया जाता है, और जगह के बारे में मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे। तो गाइस वीडियो के एंड करते हैं, फिर मुलाकात होगी किला मेला में। जय हिंद, वंदे मातरम।